और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में अगले साल आम चुनाव हो सकते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज और प्रशासन के दबाव में पाकिस्तान चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर निर्वाचन क्षेत्र के लिए परिसीमन के लिए 4 महीने का वक्त मांगा है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब पाकिस्तान में आम चुनाव साल 2024 में होंगे, जबकि वहां की सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द चुनाव करवाने के आदेश दे दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में अगले साल चुनाव हो सकते हैं। जानकारी मिल पा रही है कि फौज और प्रशासन के दबाव में पाकिस्तान चुनाव आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। ओपी तिवारी हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी तिवारी, तो ये अब कहीं ना कहीं साफ हो रहा है कि अगले साल तक चुनाव हो जाएंगे पाकिस्तान में आम चुनाव। बिल्कुल मोनिका, मैं बता दूं कि इस अधिसूचना का एक और साफ तौर पर मतलब निकलता है कि पाकिस्तानी फौज अभी भी इमरान खान की लोकप्रियता का सारा, क्योंकि जिस तरह हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, इमरान खान की लोकप्रियता लगातार बरकरार है। और जो पिछले दिनों उपचुनाव हुए थे उसमें भी इमरान खान की पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। ऐसे में अक्टूबर में होने वाले चुनाव के जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी था किस तरह से करे जाए, इसके लिए बाकायदा चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करा दी गई है, जिसमें दिसंबर 2023 तक परिसीमन का काम पूरा होगा। और यानी कुल मिलाकर पाकिस्तानी फौज ने इस इरादे में कामयाब हो गई है कि इमरान खान की लोकप्रियता को देखते हुए चुनाव अगले साल तक के लिए टाल दिए जाए। आने वाला समय बताएगा कि इमरान खान की बरकरार रहती है। जी शुक्रिया ओपी तिवारी जी, फिलहाल इस तमाम जानकारी के। कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग के बाद लोगों को घर छोड़ने की नसीहत दी गई, क्योंकि उस इलाके में आग से फैले धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। और वहां के येलोनाई शहर से आई तस्वीरों में धुआं ही धुआं नजर आया। ऐसा लगा मानो वहां कोई स्मोक फैक्ट्री हो। हर तरफ उठते धुएं के गुबार से पूरा आसमान ढक गया। रिहायशी इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ती आग को देखते हुए वहां रहने वाले लोगों को दूसरी जगह जाने की सलाह दी गई। वहां के जंगलों में लगी भीषण आग और उससे उठता धुआं लोगों पर दोहरी मार करने लगा। एक तरफ धुएं के बीच लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया, तो दूसरी तरफ जंगलों में फैलती आग की ऊंची ऊंची लपटें सब कुछ स्वाहा करने पर आमादा दिखी। ऐसे में वहां के गवर्नर की तरफ से 20,000 लोगों को वहां से घर छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया। स्पेन के तेनरीफे द्वीप के जंगलों में लगी आग भी बेकाबू हो गई। बताया गया कि तेज हवाओं की वजह से आग इतनी तेजी से फैलने लगी कि उस पर काबू पाना दमकल कर्मियों के लिए मुश्किल साबित होने लगा। और ऐसे में दमकल कर्मियों ने हेलीकॉप्टर का सहारा लिया और आसमान से जंगलों में पानी की बौछार की। वहां के तेनरीफे द्वीप से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें हर तरफ धुएं के बादल छाए नजर आए। आग की लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर से ही नजर आने लगा, जिसे देखते हुए आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। बताया गया कि आग में करीब 4,500 एकड़ जंगल जलकर राख हो गया, जिसे बुझाने के लिए 14 एयरक्राफ्ट और 250 सेना के जवान तैनात कर दिए गए, जो दिन रात आग पर काबू पाने में जुटे रहे। वहां से जो तस्वीरें आईं, उनमें रात के अंधेरे में भी दमकल कर्मी आग बुझाते नजर आए।